ऐसा कमजोर आदमी नहीं हूं मैं, मुझे सारे समाज के लोग वोट देंगे। मेरी मेहनत है, मेरी तपस्या है इस जिले में, मैं यहीं का बेटा हूं, यहीं पैदा हुआ हूं। कहां थे ये लोग जब मर रहे थे हमारे लोग, जब बंदी से भूखे मर रहे थे, सांसों से मर रहे थे, कहां थे ये लोग? कोई नजर आता था? तब ये गुड्डू जमाली अपने जान से खेल के खड़ा रहता था वहां, उसका बदला नहीं मांगता। लेकिन इन्होंने कह दिया तो मैं उस पर कह रहा हूं, ये सबसे बड़े पाखंड है समाजवादी के लोग। भाजपा को हम इसलिए ज्यादा नहीं कहते, वो तो खुली दुश्मन है हमारी, हम उसे क्या कहेंगे? एक दुश्मन हमें दिखाई देता है कि हमें इसमें लड़ना है। ये वो लोग हैं जो दोस्ती करके गला काटते हैं, इसलिए ये बात मैं होशियार कर रहा हूं। और ये हम जीतेंगे चुनाव, इनकी ताकत नहीं है कि ये रोक ले। उस वक्त इनकी सरकारी मशीनरी ने इनको चुनाव जिताया था, मतलब उसी वक्त इनके सीने पर चढ़ के हमने झंडा गाड़ दिया था। लेकिन उस वक्त इनके प्रशासन, इनकी पुलिस, इनके सारे लोग लग करके तब मुझे हराया गया था। इनकी हैसियत है कि हरा लेंगे? ये लोग जो आते हैं वहां से इम्पोर्ट होके फला भाई गए पर्चा दिखे, इनको तो हमको चार दिन नहीं लगेगा पटकने में, आप देखिएगा। बस आप लोग मेरे साथ खड़े रहिए मेरे भाइयों, मैं आपका हूं, इसी जिले का हूं, मेरा हक इनसे ज्यादा है, मैं जैसा भी हूं आपका हूं। जब चाहेंगे आप लोग मिल लेंगे मुझे। इनको कहां खोजे? 10 साल तो आपने वोट दिया था, आप सब लोगों ने वोट दिया था, कितनी बार आप अपने एमएलए एमपी के पास गए? है किसी में कलेजा की इस रात में? मैं पिछली बात जब भी मुझे मैं दीवारे की सड़कों पे भीड़ होंडा पे बैठ के घूमता हूं, जरा घुमा दे इन नेताओं को कोई। तो ये गुड्डू जमाली आपका भाई है, इसी मिट्टी का, यही पैदा हुआ, मेरा हक इनसे ज्यादा है, इसलिए मुझे एक बार मौका दो। और मैं जबान वाला आदमी हूं, मैं गैरत से अपनी जिंदगी को जीता हूं। आज ये चुनाव 5 साल बाद नहीं होगा, अगर 1.5 साल में मैंने ये साबित न कर दिया कि मैं इस लायक हूं, तो मैं आपके पास दोबारा वोट मांगने नहीं जाऊंगा, बाहर नहीं आएगा ये समय। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप मुझे सेवा दें, करने का मौका दें, ताकि मैं कुछ करके आपको ये दिखाऊं कि देखो एमपी ऐसा होना चाहिए। एक साथ गाजीपुर से है, दूसरे साथ इटावा मैनपुरी के, हम आप अपने एमपी से मिलने इटावा मैनपुरी में जाएंगे। एक से एक विद्वान इस धरती पे पैदा हुए, एक से एक लोग पैदा हुए, हमारे यहाँ के लोग दूसरे देश में राष्ट्रपति हैं, लोग नहीं जानते, मैं बता देता हूँ। एक चौहान साहब आए हैं दुमामा के, मॉरिशस के राष्ट्रपति, मैं बताता हूँ। और उस प्रदेश में, उस जिले में दोनों दलों को कोई लोकल नहीं मिलता है लड़ाने के। ये हमारा खलिहान है जो भेजते हैं लोग कि पहले फला यादव से हो जाएंगे बदल देंगे, फिर मुलायम सिंह के सपूत आएंगे बदल देंगे, फिर उनके चाचा के लड़के आएंगे बदल देंगे। तो ठीक है, अच्छा, ऐसे ही लोगों को ठीक करने के लिए हम लोग बैठे हुए। बस आप लोग मेरे साथ खड़े रहिए, इनको तो हम ऐसा खा दे देंगे, इनकी हैसियत पता चल जाएगी। भैया, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के आपसे मदद की अपील मांगता हूं। मैं शरीफ आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं, लेकिन ऐसे लोगों से, इसलिए गुड्डू जमाली इनके रास्ते में चट्टान बन के खड़ा होता है, ऐसे लोग जिनकी विचारधारा भाजपा को लोग कहते हैं ना, हम भी कहते हैं नफरत बात की है। आप क्या करते हैं? आप भी तो शराफत का चोगा पहन के वही काम करते हैं। एक हिंदू हिंदू करता है, आप मुसलमान मुसलमान करते हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। अब कुछ बातें इसलिए नहीं बोलना चाहता कि मंच के लिए भी कुछ बताना, तो मैं आप लोगों से वोट की अपील करता हूं, भैया हाथी को वोट देना चाहिए। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।